दोस्तों 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया, जिसके बाद ये बात लंदन तक पहुंच गई और सिमोन कमीशन ने भी अभी तक अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिसे डिस्कस करने के लिए लंदन में नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने उपस्थिति नहीं दी थी। जब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन को प्रेशराइज किया कि किसी भी तरह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को उपस्थित करें, जिनके बाद उन्होंने गांधी जी से बात की और 15 दिनों में इनमें 8 मीटिंग हुई, जिसका एक रिजल्ट एक एग्रीमेंट निकला जो कि 5 मार्च 1931 में साइन हुआ, जिसे इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए हामी भर दी और इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ने का वादा किया और जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं भरा था लैंड रेवेन्यू उसको जमीनों को छोड़ने का भी वादा किया।